if fx is equal to log x base x, then look at first derivative at x is equal to e is equal to 1 upon f prime is equal to 1 upon f prove karta hai. Matlab aapko is function ka e par x is equal to e par derivative nikalna hai. X is equal to kya hai derivative point pe इसके लिए क्या करते हैं बंदे, इसका पहले डायरेक्ट निकाल लीजिए कि एफ ऑफ एक्स कितना है. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस एक्स ना. एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, हो जाएगा लॉग इसको जो है बेस ई में बदल लीजिए. तो बेस ई में बदले कितना हो जाएगा, लॉग लॉग एक्स बेसी इंटू लॉग ई लॉग ई बेसिस लॉग ई बेसिस हो जाएगा. फिर ये वैल्यू कितना हो जाएगा, जैसे हमने बेस लॉग का बेसी कर दिया, अब जो न्यू बेस आया उसका ओल्ड बेस पर लॉग लेकर के मल्टीप्लाई कर देंगे. ये आपका बेस चेंजिंग फार्मूला होगा. ठीक है, अच्छा ये वैल्यू क्या होगी, वन अपॉन लॉग एक्स बेस हो जाएगा. अगर हम बेस और वैल्यू को इंटरचेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा. ठीक है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, लॉग लॉग बेस अपॉन लॉग एक्स बेस हो जाएगा. इसमें बेस और वैल्यू को इंटरचेंज करते हैं, जब इंटरचेंज करेंगे ये वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी, वन अपॉन हो जाएगा. तो वन अपॉन है लॉग ए बेस एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, लॉग ए बेस एक्स इक्वल टू वन अपॉन लॉग एक्स बेस ई हो जाएगा. ठीक है, तो चलिए आगे इसको डिफरेंशिएट करिए. तो एफ प्राइम डी बाई डी एक्स ये तो हो गया, एफ ऑफ एक्स हो गया. तो डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस ई इंटू ये वैल्यू हो जाएगी आपकी लॉग लॉग ऑफ एक्स बेस ई, ये तो बेस ई ऑलरेडी. चलिए अब इसमें जो है स्क्वायर ऑफ क्वेश्चन रूल लगा देते हैं ना, इसमें क्वेश्चन रूल लगा देते हैं. क्वेश्चन रूल लगेगा चलेगा लॉग एक्स बेस ई होल स्क्वायर एवरेज ऑफ डिनोमिनेटर हो गया लॉग एक्स बेस ई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग लॉग एक्स बेस ई फिर माइनस रेस्ट ऑफ न्यूमरेटर लॉग लॉग एक्स बेस ई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस लॉग एक्स बेस. तो इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी बाई ये तो एफ प्राइम एक्स हो जाएगा, फाइव डेरिवेटिव ऑफ एक्स हो गया. ठीक है, तो फाइव डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, एफ प्राइम एक्स इसको इसको डी बाई डी टी आप लॉग टी मानेंगे ना, डी बाई डी टी लॉग टी डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा. यहाँ चेन रूल लगाएंगे तो छुट्टी मानेंगे, तो डी बाई डी टी लॉग टी डी टी बाई डी एक्स तो यह देगा लॉग एक्स बेसी यहाँ का बन गया डी बाई डी टी लॉग टी बेसी डी टी बाई डी माइनस टी छोटू लॉग एक्स बेसी मैंने मान लिया. अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा लॉग लॉग एक्स बेसी बेसी इंटू वन बाई एक्स हो जाएगा. ठीक है, होल अपॉन लॉग एक्स बेस ई होल स्क्वायर. ठीक है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, लॉग एक्स बेस ई होल स्क्वायर इंटू वन बाई फिफ्टीन इंटू लॉग एफ लॉग ऑफ एक्स बेस ई फिर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई माइनस वन बाई एक्स है
वन बाई लॉग एक्स बेस, लॉग एक्स बेस ही है, वन बाई लॉग एक्स बेस ही इनटू लॉग एक्स बेस ही इनटू वन बाई एक्स माइनस ये जगह वन बाई एक्स ये क्या लॉग लॉग एक्स बेस ही बेस क्या ये जगह आपका लॉग एक्स बेस ही होल स्क्वायर ये चीज आपको पता होगी
वाले बेंच हो गए, पीछे वाले बोलो पीछे साफ हो गए। हाँ हाँ लीजिए पीछे करिए।